जैमिनी सूत्रम प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादः। अभी तक जिन पादों की प्रस्तुति हुआ है, जहां पर सूत्र का वर्णन किया हुआ है, और वहां जो अवशिष्ट पाद हैं, उनका एक बार सूत्रों का उच्चारण करने के पश्चात अगले भागों में विवरण देने की एक योजना है। इस भाग में प्रथमाध्याय का जो चतुर्थ पाद है, वहां पर प्रसंगवश जो वहां पर विषय प्रतिपादित हैं, उसके आधार पर अध्याय में इस पाद में उपलब्ध 49 सूत्रों में से 23 सूत्रों का उच्चारण यहां पर प्रस्तुत किया हुआ है। उपपदम पदम पितृनुचरात, उपपदम पदम पितृनुचरात, तत्र पापस्य पापयोगे प्रवृद्ध्या दारनाशो वा, तत्र पापस्य पापयोगे प्रवृद्ध्या दारनाशो वा, नात्र रविः पापः, नात्र रविः पापः, शुभद्रुग्योगान्ना, शुभद्रुग्योगान्ना, नीचे दारनाशः, नीचे दारनाशः, उच्चे बहुदारः, उच्चे बहुदारः, युग्मे च, युग्मे च, तत्र स्वामियुक्ते स्वर्क्षे वा तद्धेता उत्तरायुषि निर्धारः, तत्र स्वामियुक्ते स्वर्क्षे वा तद्धेता उत्तरायुषि निर्धारः, उच्चे तस्मिन् उत्तमकुलात् दारलाभः, उच्चे तस्मिन् उत्तमकुलात् दारलाभः, नीचे विपर्ययः, नीचे विपर्ययः, शुभ संबंधात सुंदरी, शुभ संबंधात सुंदरी, राहु शनिभ्याम अपवादात त्यागो नाशो वा, राहु शनिभ्याम अपवादात त्यागो नाशो वा, राहु शनिभ्याम अपवादो त्यागो नाशो वा, शुक्रकेतुभ्याम रक्त प्रदरः, अस्थिस्रावो बुधकेतुभ्याम, अस्थिस्रावो बुधकेतुभ्याम, शनिरविराहुभिरस्थिज्वरः, शनिरविराहुभिरस्थिज्वरः, बुधकेतुभ्याम स्थौल्यम, बुधकेतुभ्याम स्थौल्यम, बुधक्षेत्रे मंदाराभ्याम नासिका रोगः, बुधक्षेत्रे मंदाराभ्याम नासिका रोगः, कुजक्षेत्रे च, कुजक्षेत्रे च, गुरुशनिभ्याम कर्णरोगो नरः काच, गुरुशनिभ्याम कर्णरोगो नरः काच, गुरुराहुभ्याम दंतरोगः, गुरुराहुभ्याम दंतरोगः, शनिराहुभ्याम कन्यातुलयोः पंगुर्वातरोगो वा, शनिराहुभ्याम कन्यातुलयोः पंगुर्वातरोगो वा, शुभद्रुग्योगान्न, शुभद्रुग्योगान्न, सप्तमांशग्रहेभ्यश्चैवम्, सप्तमांशग्रहेभ्यः च एवम्। यह 23वां सूत्र है और अवशिष्ट सूत्रों को अग्रिम भाग में प्रस्तुत करेंगे।